वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए हमने एक एक्सरसाइज क्रिएट की है जो बिगनर्स को क्रिएट करने में हेल्पफुल होगी। एक सिंपल सा डिज़ाइन है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले इसका 2D ड्राइंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आइसोमेट्रिक व्यू में ये इसके सारे डायमेंशन शो किए हैं। देखिए इसका जो मेन डायमीटर है तो उसका मेन डायमीटर 55 mm है, और जो स्टेप है जो बोथ साइड में जो स्टेप हमने डायमीटर में सेट की है वो 50 mm है, फिर अंदर का होल 40 mm, और जो स्टेप वाला होल है उसका होल है 35। फिर इसकी टोटल लेंथ जो बॉस वाला है उसका टोटल लेंथ 17 mm है, फिर बीच वाली जो प्लेट है इसकी साइज़ है ये वाली, इसकी साइज़ 5 mm, फिर 2 mm इस फ्रंट साइड में और बैक साइड में 10 mm। तो इस तरह से हम इसकी सारी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट क्रिएट कर लिया है हमने, तो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम इसका डायमीटर रखेंगे 55 mm, फिर ओके करना है। अब यहाँ पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है, इसकी लंबाई रहेगी 57 mm, इसकी हाइट रहेगी। अब फिर से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से दो सर्कल ड्रॉ करने हैं, फिर यहाँ पर सेम ऐसे ही सर्कल दो ड्रॉ करने हैं। अब इस सर्कल को और इस सर्कल को, इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करना है और इक्वल करना है, फिर यहाँ पे अंदर वाले जो सर्कल है इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इक्वल करना है। अब इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट रहेगी 25 mm। फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस रहेगा फुल डिस्टेंस 50 mm। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसके डायमेंशन हमने अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे फिर से क्या, एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट को और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कोइंसिडेंट रिलेशन कर देना है। अब यहाँ पर इसके डायमीटर हम अप्लाई करेंगे 15 mm, ओके, और यहाँ पर इसका डायमीटर रहेगा 7 mm। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और वर्टिकल कर देना है। फिर से एक लाइन यहाँ पे इसके साथ ड्रॉ करनी है, इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए ब्लैक कलर इसका हो गया है, मतलब फुली डिफाइन है, ये टेंजेंट है दोनों के साथ। अब यहाँ पे मिरर एंटिटी में जाएंगे, मिरर एंटिटी में इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। देखिए इस तरह से हमारा स्केच क्रिएट हो गया है। अब ट्रिम एंटिटी में पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अननेसेसरी जो सर्कल है उन्हें ट्रिम कर देना है इस तरह से। अब ये पीक वाला है, इसे भी ट्रिम कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाएंगे, फिर यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करेंगे। अब एक्सट्रूड बॉस बेस में हमें यहाँ पे मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और इसकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग थिकनेस है 5 mm और ओके करना है। अब यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे स्केच, और यहाँ पे सर्कल टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। स्मार्ट डायमेंशन,
50 mm. ओके, अब फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस। अब यहाँ पे वन साइड हमने जो साइज ड्राइंग के अकॉर्डिंग 2 mm यहाँ पे इस साइड में फ्रंट साइड में एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया है, तो इसकी थिकनेस 5 mm है, तो 2.5 हाफ 2 mm प्लस 2.5। फोर पॉइंट फाइव एम एम वन साइड, फिर डायरेक्शन टू, तो डायरेक्शन टू में ब्लाइंड कंडीशन उस साइड बैक साइड में हमें 10 mm एक्सट्रूड करना है, तो 10 प्लस 2.5 इसका हाफ लेंगे, जो 5 mm हमने थिकनेस रखी थी क्योंकि हमने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया हुआ है, फिर ओके करना है। तो देखिए इस तरह से 10 mm बैक साइड में और फ्रंट साइड में 2 mm अप्लाई कर दिया है। फिर हम राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करना है। तो इस पॉइंट से और इसे क्लोज कर देना है। देखिए इस तरह से हमने ये स्केच क्रिएट किया है। अब इसका डायमीटर 40 mm, ओके, और यहाँ से इसका डायमीटर है 35। और इसकी लेंथ है 2 mm। तो ये स्केच भी हमने फुली डिफाइंड क्रिएट कर दिया है। अब सिंपली फीचर में जाना है और यहाँ पे रिवॉल्व कट अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसकी एक्सिस लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। अपीयरेंस में जाएंगे, स्टील सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मैट स्टील यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसका कलर अप्लाई कर देंगे। एडिट अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर इसका कलर पर्पल अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो और प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।